अब इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, दो चुनाव ऐसे गए 2009 और 2014 के, आईपीएल मैच को भी बाहर ले जाना पड़ा था। आज जब सरकार सक्षम होती है तो रमजान भी चलता है, आईपीएल मैच भी चलता है, ईस्टर भी होता है, हनुमान जयंती भी होती है, राम जयंती भी होती है, नवरात्रि भी होता है, बच्चों के एग्जाम भी चलते हैं और चुनाव भी चल रहा है। एक सकारात्मक भाव से चुनाव हुआ और थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मोटा मोटा मत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए, बीच में जितने ही सरकारें बनी तो परिस्थिति ने जो बना दिया उसको, किसी को 1 साल मिल गया, 2 साल मिल गया, या तो किसी पारिवारिक परंपरा से मिल गया। 17 मई को देश में सट्टाखोरों को मोदी की हाजिरी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, अरबों खरबों का नुकसान हो गया था सट्टाबाजों को, यानी ईमानदारी की शुरुआत 17 मई को हो गई थी मेरा शपथ के पहले। हमारी योजना ऐसे नहीं होती, आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो प्रधानमंत्री का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव के खत्म के रिजल्ट से 4-5 दिन पहले होता है, वेरी गुड। प्राइम मिनिस्टर इज अकंपनिंग मिस्टर अमित शाह इन अ प्रेस ब्रीफिंग, अनप्रेसिडेंटेड। पीछे से दरवाजे भी बंद हो गए हैं, जो जर्नलिस्ट अंदर घुसना चाहते हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। मैंने इनसे कहा 2-3 जर्नलिस्ट भेज दीजिए वहाँ पर, हमारे साइड से भी 1-2 सवाल पूछे, कहते नहीं भेज सकते, दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर दिया है। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझसे राफ़ाइल पे डिबेट क्यों नहीं किया, जवाब दे दीजिए। ये पूरा चुनाव का शेड्यूल है, मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जी के कैंपेनिंग के लिए बनाया गया है, ये बात बिल्कुल सामने ये देश समझता है। मैंने उनसे कहा देखिए आप डिबेट कीजिए मुझसे, मैं कहीं भी आ जाऊँगा। नरेंद्र मोदी जी डर गए, डिबेट नहीं कर पाए। देश भर में नारा चला है चौकीदार चोर है, कहीं भी आप बोल दीजिए, किसी भी शहर में कहीं भी बोल दीजिए, बस चौकीदार बोलिए, जवाब मिलता है चोर है।